कजन थी, काफी टाइम हम इकट्ठे भी रहे हैं। क्या लगती है चाचू की बेटी, ताया की बेटी क्या है? चाचू की बेटी है। खाला की बेटी पटाते पटानी थी तो यार। नहीं नहीं चाचू की बेटी थी तो। फिर इन्होंने फिर प्रपोज किया, फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। शर्म नहीं है तुम्हें? नहीं शर्म, अब क्या करूं इतनी बार बार तो फिर। मतलब कितना टाइम में पट गई तुम, मतलब सेटिंग हो गई तुम लोग कि? मैं एक महीने तक पट गई थी। इस्लाम ने जहाँ ये बताया ना कि किन किन औरतों से शादी तुम्हारे लिए हलाल है, तो कजनों को अलग से हाईलाइट किया है। ऐ नबी, आपकी फूफी की बेटियां भी हलाल, आपके के लिए चचा की बेटियां भी हलाल, आपके लिए खाला की बेटियां भी, और आपके लिए मामू की बेटियां भी क्या है, अलग से अल्लाह ने चार औरतों का अलग नाम लिया है। तौबा। सबसे बड़ी बात ये कि हमेशा जिसको बताया जाता है, बेटा जब भाई से टॉफी लेकर आ जाओ, बेटा जब भाई से पेंसिल लेकर आ जाओ, वही भाई से जो है वो बाद में शादी कर देते हैं। तो ये भी कहानी जो है ना बड़ी कंफ्यूजिंग किस्म की, और मुझे तो बिल्कुल भी सूट नहीं करती और समझ में नहीं आती। पाकिस्तानी लड़का बड़ा होकर इंडिया की लड़की के साथ शादी करेगा या फिर तुर्की की लड़की के साथ शादी करेगा? मैं तो भाई, मेरी कजन है एक, उसके साथ शादी करनी है। अभी से सोचा हुआ है? वो हमारे घर में रहती है। वो राजी है? हाँ, वो हमारे घर में कभी कभी आती ना इधर। हाँ? वो राजी है। रिश्ता मामू की तरफ करना है और कहीं नहीं करना। यानी कि आपको मामू से साथ, आपको मामू के साथ मोहब्बत है या मामू आपके साथ ज्यादा मोहब्बत करते हैं? मामू को मेरी नहीं, मेरी मामा को जो है मेरे मामू बड़े पसंद है। क्योंकि भाई तो सबको पसंद होते ही होते हैं, लेकिन उनके बच्चों को भी मेरी मामा फूफो ही हैं। एक नवाही कस्बे में बहन ने भाई से या भाई ने बहन से निकाह कर लिया। यकीन नहीं आया, यकीन करें कि उसको देखने के बाद भी आंखों पर कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये पाकिस्तान में। पहली बात तो ये है कि शादी होनी चाहिए, होनी भी चाहिए और जुड़नी भी चाहिए। भारत चांद पे और ये पाकिस्तानी अपनी बहन पे, मतलब ऐसी इनकी मानसिकता है कि आप 16 साल 15 साल के उम्र में लोग स्कूल जाते हैं तो ये पाकिस्तानी 15 साल के उम्र में एक शादी करते हैं और 16 साल में उसको तलाक देते हैं और 16 साल में फिर अपनी चाचा की बेटी से दूसरी शादी करते हैं। मतलब यार, अगर तुम्हारे फ़ोन में अमेज़ॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स है ना, तो उसको डिलीट करो यार, वहाँ पे पैसे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितना ये पाकिस्तानी का वीडियो देखने में तुम इंटरटेन होगे ना, उतना किसी भी चीज़ में तुम्हें इंटरटेनमेंट नहीं मिलेगी। एक अपने से छोटे उम्र के कपल के साथ मौजूद हूँ। सब लोग मेरे से पूछे शादी कब करोगी, शादी कब करोगी। मैं उनको जाकर कहती हूँ मैं 30 साल की उम्र में शादी करूँगी, लेकिन मेरे साथ जो कपल मौजूद है वो इंतहाई मेरे से, मतलब बहुत छोटा है। ये लड़की जो है हमारे साथ मौजूद है, इसकी उम्र जो है वो 15 साल है और इसकी जो उम्र है वो 17 साल है। लेकिन एक ट्विस्ट है कि 17 साल की उम्र में इसने दो शादियां कर ली हैं। पता नहीं कौन सी आखिर आई हुई थी इसको जो इसने दो शादियां कर ली हैं। इसी से जानते हैं इतनी जल्दी शादी करने का क्या मकसद है। 16 साल की उम्र में इसने लड़की से शादी की, उसको छोड़ दिया। क्या वजह, तुमने उसको क्यों छोड़ा और फिर ये कैसे पसंद आई तुम्हें और तुमने शादी कैसे की? बस ये पहले अपनी कजन की शादी पर गई। पहले वाली शादी क्यों थोड़ी है, तो अब वाली शादी क्या है? अब वाली का शादी कब तारूँ कि ना, आज से कोई 6-7 माह पहले मैं अपनी कजन की शादी पर गया था। उधर मैंने इनको देखा था, मैंने इनसे नंबर मांगा तो ये पहले थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल भी हिचकिचाहट नाम की चीज़ नहीं है कि लड़की से पहले हम सलाम ले, दुआ लें। फिर कजन थी, काफ़ी टाइम हम इकट्ठे भी रहे हैं। क्या लगती है चाचू की बेटी, ताया की बेटी क्या है? चाचू की बेटी है। खाला की बेटी पटाते पटानी थी तो यार? नहीं नहीं चाचू की बेटी थी, तो काफ़ी टाइम हम आज से 2-3 साल पहले ना इकट्ठे भी रह कर आए हैं। हाँ ठीक है, ओके, समझ आ गया मुझे सब। जब इन्होंने आपसे नंबर मांगा तो आपने निकाला कैसा अजीब शख्स है, फ़ौरन से मेरे से नंबर मांग रहा है। नंबर मांग लिया, फिर उसके बाद बातचीत हुई, कैसे बातचीत हुई? मतलब कि ये पास में आए थे मेरे साथ, इन्होंने सलाम लिया और आके के बातें करने लगे मुझसे और फिर कुछ तारीफें की हैं इन्होंने। देखा, सबसे बड़ी कमजोरी जो है ना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सबसे बड़ी कमजोरी है अगर आपको लड़की फंसानी है ना, जाके उसकी तारीफ करनी शुरू कर दो। मतलब वो शक्ल से बिल्कुल प्यारी नहीं है, कद भी नहीं है उसका, कुछ भी नहीं है। तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हें पता है? मैं ऐसे कहूँगी कि नहीं मैं प्यारी नहीं, नहीं नहीं लड़के झूठ बोलते हैं, तुम बहुत प्यारी हो, तो लड़की जो है वो अगले ही कुछ सेकंड में फंस जाती है। ठीक है, तरीका बता रही हूँ, फंस गई। थोड़ी थोड़ी फ्लैट होने लगी थी आहिस्ता आहिस्ता, फिर नहीं पूरी आने लगे, नहीं नहीं पूरी तो नहीं, थोड़ी थोड़ी। फिर ये आने लगे मेरे घर, इन्होंने काफ़ी मेरे घर के चक्कर लगाए, घूमते रहे आसपास, गिफ्ट लेके आते थे, तो फिर इन्होंने फिर प्रपोज किया, फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। शर्म नहीं है तुम्हें? नहीं शर्म, अब क्या करूँ इतनी बार बार तो फिर। मतलब कितना टाइम में पट गई तुम, मतलब सेटिंग हो गई तुम लोग कि? मैं एक महीने तक पट गई थी। पूरी दुनिया में कहीं कजन से शादी का रिवाज नहीं है, उसको बहन समझते हैं। हिंदू भी नहीं करते, अंग्रेज भी नहीं करते, शायद मेरा ख्याल यहूदी भी नहीं करते। कजन से मैरिज का रिवाज सिर्फ किस में है? इस्लाम। और ऐसा पक्का है कि इस्लाम ने जहां ये बताया ना कि किन किन औरतों से शादी तुम्हारे लिए हलाल है, तो कजनों को अलग से हाईलाइट किया है। ऐ नबी, आपकी फूफी की बेटियां भी हलाल, आपके के लिए चचा की बेटियां भी हलाल, आपके लिए खाला की बेटियां भी, और आपके लिए मामू की बेटियां भी क्या है, अलग से अल्लाह ने चार औरतों का अलग नाम लिया है। तौबा, तौबा, तौबा। एक तो मुझे मुसलमानों में ये चीज समझ नहीं आती,
कि कजन मैरिजेस क्यों होती हैं और कजन मैरिजेस आखिर कब खत्म होंगी। यानी सारी जिंदगी किसी को भाई 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 कहते रहो या किसी को बाजी आपा बाजी आपा बाजी आपा, और फिर जाके जब बड़े होते हैं तो शादी होके वो अजीब सा लगता है। सबसे बड़ी बात ये कि हमेशा जिसको बताया जाता है बेटा जब भाई से टॉफी लेकर आ जाओ, बेटा जब भाई से पेंसिल लेकर आ जाओ, वही भाई से जो है वो बाद में शादी कर देते हैं। तो ये भी कहानी जो है ना बड़ी कंफ्यूजिंग किस्म की और मुझे तो बिल्कुल भी सूट नहीं करती और समझ में नहीं आती और होना भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात मुसलमानों को अब कम से कम ये जरूर सोचना चाहिए कि ये कजन मैरिजेस वाला सिस्टम जो है ना वो खत्म करे। पाकिस्तानी लड़का बड़ा होकर इंडिया की लड़की के साथ शादी करेगा या फिर तुर्की की लड़की के साथ शादी करेगा? मैं तो भाई मेरी कजन है एक, उसके साथ शादी करने। अभी से सोचा हुआ है? वो हमारे घर में रहती है। वो राजी है? हाँ वो हमारे घर में कभी कभी आती ना इधर। हाँ? वो राजी है। क्या नाम है उसका? मरियम। मरियम नाम भी बता दिया, उसके घर से कुट पड़ जाएगी। उसके घर वालों को पता है। अल्लाह अल्लाह बेड़ा आज मुझे बता, उस मतलब रिश्ता तय हुआ है? हाँ कर लेंगे रिश्ता तय। नहीं नहीं अभी बोल रहे हैं, अभी माँ बाप में तो यही आना है, अभी छोटा है, बात कर रहे हैं। बात कर ली है उसके माँ बाप से कि मैंने मैं ताड़ी कुड़ी ना ब्याह के लेके जाना? नहीं ब्याह के अपने घर ही रखनी है। हाँ वही ना, ब्याह के लेके अपने घर ही रख। हाँ हाँ गल कर ली। हाँ हाँ अगर आपको ऑफर हो चाचू और मामू की तरफ से शादी की तो आप किधर रिश्ता करवाना पसंद करेंगे? ऑप्शंस ये हैं कि चाचू और वो मामू की तरफ, तो फिर मामू वाला कर लेते हैं क्योंकि मेरी अम्मा भी मिलती रही करेंगी मेरे साथ साथ। नहीं अगर चाचू की तरफ हो जाए तो फिर क्या अम्मा को गुस्सा आ जाएगा? नहीं होता ही है, वो थोड़ी सी लड़ाई होती है ना थोड़ी सी, के और पहले ही वो फुफ्फो की वजह से नंदों की वजह से माओं की जो नंदे होती हैं और उनके जो देवर होते हैं लड़ाइयाँ चलती रहती हैं उनमें, तो क्यों पोले खिलवानी है तुमने? नहीं देखा जाए तो नंदे तो सब बनती हैं। अगर रिश्ता मामू की तरफ करना है और कहीं नहीं करना। यानी कि आपको मामू से साथ, आपको मामू के साथ मोहब्बत है या मामू आपके साथ ज्यादा मोहब्बत करते हैं? मामू को मेरी नहीं, मेरी मामा को जो है मेरे मामू बड़े पसंद है, क्योंकि भाई तो सबको पसंद होते ही होते हैं, लेकिन उनके बच्चों को भी मेरी मामा फूफो ही है। आपको पश्तो आती है? नहीं हम लोग हैं दूसरे पठान है, हम लोग पश्तो पठान नहीं, हम पंजाबी पठान है। अगर मैं कहा पश्तो आती है तो थोड़ी सी पश्तो में आप बता दें जो खान लोग हैं उन्हें ज़्यादा समझ आ जाएगी? नहीं खान लोगों को तो वैसे भी समझ आ जाएगी, जो मेरे पंजाबी बरादरी के पठान है वही उन्होंने तो समझ लागी गई नहीं है कि मामू वाल शादी करनी है चाचू वाल नहीं करनी। बहुत मेंटल साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन कपल्स के प्रोडक्ट्स में यानी कि ऑफ स्प्रिंग्स में बच्चों में जो कि कजन मैरिजेस जिन्होंने की होती हैं या होती भी हैं या नहीं, या नहीं होती? हाँ जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया आपके मदद करने का। पहली बात तो ये है कि शादी होनी चाहिए, ठीक है, वो तो जाती है, सबसे होनी चाहिए, सबसे मैं तो कहता हूं बार-बार होनी चाहिए, बार-बार इतना दिल जिगर हो आपके पास, गुर्दा हो, होनी चाहिए, होनी भी चाहिए और टूरनी भी चाहिए, टूरनी अच्छा चलनी चाहिए। हां शादियां होनी चाहिए, चलनी चाहिए। अभी जो हमारा एक इस वक्त जो दो, एक तो मैं आपको बताऊंगी जो हमारे लोगों का जो हमारे जो सोसाइटी है उसका माइंडसेट ये है, कुछ हमारे पास जो सब कॉन्टिनेंट जो खिता है इसमें पसंद की जाती है खानदानों में, इंक्लूडिंग माय फैमिली के नहीं खानदान में ही शादी की जाए। एक तो फियर फैक्टर कम हो जाता है, कंफर्ट लेवल ज्यादा होता है, जायदाद जो है अंदर ही रह जाती है, आपके पास ही रह जाती है। मेरे पेरेंट्स जो है वो दोनों कजन्स हैं, उनकी दोनों की अम्मियां यानी कि मेरी नानी और दादी दोनों बहनें हैं, वो दोनों फर्स्ट कजन्स हैं। अब जो उनकी ऑफस्प्रिंग है मतलब ये आप देख लेना नुकसान उसका, लो जी उन्होंने भी हमला कर दिया। इनके दिमाग में बचपन से ही वो बातें भरी जाती है, क्यों? क्योंकि वो अपने घर में देखते हैं, अपने अब्बू जान को देखते हैं, अम्मी जान को देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। मदरसा में इनको यही सिखाया जाता है, आपस में भाई बहन लगे पड़े होते हैं और इनके पास कोई काम नहीं है। आज तक इन्होंने टेक्नोलॉजी के नाम पर एक सुई तक का भी आविष्कार इन्होंने नहीं किया है, सारा कुछ ये चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। आधा से ज़्यादा पाकिस्तान चाइनीज़ के गुलाम हो चुके हैं, अपनी लड़कियां सप्लाई करते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं इन्हीं सब मानसिकता की वजह से। पढ़ने लिखने का इनको कुछ है नहीं, सिर्फ ये मदरसा जाएंगे उसके बाद इनकी नज़र वहीं से ये सेट हो जाते हैं कि अपनी मामू की बेटी को पटाना है कि बुआ की बेटी को पटाना है या चाचा की बेटी को पटाना है, किसको पटाना है, आपस में ही ये अब क्या बोले इस पे, ऐसी मानसिकता है इनकी। तो इस तरह तो भाई कभी ग्रो नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।